भैया नमस्कार, जय श्री राम। इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आ चुके हैं कक्षा दसवीं की गणित। कक्षा दसवीं गणित है, अध्याय आपका 9 है, पाठ का नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग और विषय गणित है। आदिवासी परीक्षा 2024 के कारण मोस्ट क्वेश्चन बताना है। आपके आदिवासी पेपर जो होने हैं आपकी दिसंबर में होंगे, आपके त्रिमासिक हो गए। त्रिमासिक में आपके कहाँ तक आया, त्रिमासिक में आपके आया कहाँ तक है, कहाँ तक गया, 8 पार तक गया। अब जो सोचो त्रिमासिक में 8 पार तक आया, 8 पार तक, त्रिमासिक सितंबर में चला था, सितंबर तक का 8 तक आया, और सितंबर बाद अक्टूबर होगा, अक्टूबर हर दिन 2 अध्याय बढ़ते, सो 8 के बाद 9 और 10 आपके हो जाएंगे अक्टूबर के, 9 10 तो आपके अक्टूबर में आ जाएंगे, ठीक है। 9 और 10 और अक्टूबर नवम्बर, नवंबर में क्या हो जाएंगे, 11 बार आपके क्लियर हो जाएंगे, नवंबर का इतना हो जाएगा। और दिसंबर में आपके होते हैं ना, दिसंबर व नवंबर में 7 बार, दिसंबर में होंगे आपके आदिवासिक के, तो यहाँ पर 13 और 14 पूरी आ जाएगी। समझ लो कि 13 14 तक तो आपकी है ही है ना, तो समझो अगर नवंबर में आपके भाई तो 12 तक आएंगे, अगर दिसंबर में भाई आपके आदिवासिक तो समझो कि पूरी गणित है आपके, जितने भी आपको पूरे हो 13 14 समझे तो पूरे ही कमान है, ठीक है ना। यहाँ पर ये सोचो कि आपका कम्प्लीटली पूरी तैयारी करना पड़ा है, ठीक है। अक्टूबर है आपके पास, नवंबर है, 2 महीने हैं अभी, तो इस 2 महीने में आप पूरी कम्प्लीट करता रहो और अच्छे से तैयारी भी कर लो, ठीक है। आपका जो क्वेश्चन है बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, BIP क्वेश्चन है भैया, BIP क्वेश्चन, ठीक है, BIP क्वेश्चन है अध्याय 9 का। उदाहरण 1 है, पहला क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन। आपको उदाहरण में चित्र बनाना, लेकिन अपन को ऐसे चित्र नहीं आएगा, सिर्फ ऐसा क्वेश्चन आएगा, क्योंकि आपको आ जाएगा याद कीजिए मीना गुजारे क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझो, फिर आप उसके अनुसार बनाना सीखो, भाषा खुद लिखना सीखो कैसे भाषा क्वेश्चन में लिखते हैं, और जो 4 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो आपको 4 नंबर कैसे मिलेंगे, पूरी डिटेल देंगे क्या क्या लिखोगे तो पूरे 4 नंबर मिल जाएंगे आपको। पूरी वीडियो देखना लास्ट तक देखना, अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना और अपने मित्रों के पास वीडियो को शेयर जरूर करना, इतना काम कर रही हो, ठीक है। देखो इसमें लिखा है धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी, ऊर्ध्वाधर कहाँ पर खड़ी, ऐसी जो कहा ऊर्ध्वाधर खड़ी रेखा कहलाती है ऊर्ध्वाधर, तो ऊर्ध्वाधर एक मीनार खड़ी, तो अपन एक ठीक कोणीय में एक ठीक ऊर्ध्वाधर मीनार खड़े कर लेने, तो ये नाम दे दे कि ए बी एक मीनार है, ठीक है, मीनार है, ये भी एक मीनार है। आप जैसे अब रचने हो तो मीनार को नाम चुका, एक तो डंडी सी की मीनार मान ले, ये भी एक मीनार है, तो इतना कर लो जो अपन लिखे हैं, माना माना धरती पर एक ये भी एक मीनार खड़ी है, माना ए बी, माना ए बी एक मीनार है, माना एक ए बी, माना ए बी एक मीनार खड़ी है, माना ए बी एक मीनार ऊर्ध्वाधर, भाषा कहीं से लेनी पड़ती। अब देखियो हमने जितना लिखा, मान इतने ये धरती पर धरती अधिकार लिखने, माना ये भी एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, हो गई, इतना लिख दो तुमने। अब ये भी मीनार हो गई, उसके बाद धरती के एक बिंदु पास से बिंदु से धरती के एक बिंदु से धरती के एक बिंदु से अब ऐसे तो नहीं चाहिए कई बिंदु, ये एक बिंदु से जो मीनार के पास बिंदु से ना, एक धरती बिंदु एक नागों का बिंदु एक नागों, अब सोचो धरती के एक बिंदु से कहूँ से एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु तक की पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, मतलब धरती को एक बिंदु है वो के मीनार के पाद बिंदु की दूरी, मतलब एक धरती पे कहीं पर ऐसा बिंदु हो पाद बिंदु तक की यहाँ से वो तक की दूरी कितनी है 15 मीटर, मतलब इधर मान लो कि धरती पे एक बिंदु होता है, ऐसे से मीनार के पाद बिंदु की दूरी कितनी है 15 मीटर, कितनी 15 मीटर, ऊंचा ज्यादा नहीं हो जाएगा इसको, नहीं तो लंबा करना पड़ेगा मन को, क्योंकि जहाँ में ऐसे नहीं टेढ़ी खींचेगी ना, छोटा से खींचना है, ठीक है, नहीं तो बहुत टेढ़ी हो जाएगी, मान लगे 15 मीटर खींचना है, ठीक है, जब मान लगे तब 15 मीटर, ठीक है, इधर 15 मीटर टेढ़ी खींच गई है मेरा, सही कह रहा टेढ़ी होगी,
हाँ रुक जाओ, इसको हम सही बना रहे हैं, सही बना के दिखा रहा है। तो सही बना रहा है, नहीं तो बहुत टेढ़ी हो जाएगा। चलो सही, देखो ये भी एक मीनार माने थे अपन, एक मीनार माने थे और पांच बिंदु से हैं, एक बिंदु से हैं, मतलब सी बिंदु से हैं, मीनार के मीनार के पांच बिंदु से इतने तक की दूरी कितनी 15 मीटर है। समझने की कोशिश करो, ये मैं देखो धरती पे एक मीनार खड़ी है, धरती के एक बिंदु से, धरती के एक बिंदु से मीनार के पांच बिंदु की दूरी कितनी है, मान मीनार के पांच बिंदु की दूरी 15 मीटर दूर है। तो लिखें और, ठीक है लिखें कोमा लगा देते हैं कोमा, और मीनार के पांच बिंदु की दूरी, ठीक है मीनार के धरती के एक बिंदु की दूरी मीनार के, और सीधे सीधे लिख दो मीनार के पांच बिंदु से चित्र में लिख दी, इधर लगे ऊपर चित्र में लिख दो, चित्र में क्षेत्र से ऊपर क्षेत्र से लिख दो, ज्यादा लिखो ना आपका यहाँ पे इस भाषा को, ज्यादा लिखो ना बने यहाँ से, सीधे क्षेत्र से लिख दो। और मीनार के पाद बिंदु की दूरी कितनी, मीनार के पाद बिंदु की, मीनार के पाद बिंदु की दूरी, पाद बिंदु की दूरी बीसी बराबर कितनी है 15 मीटर, ठीक है 15 मीटर। और मीनार, और मीनार की शिखर कोण है कौन कितना 60 डिग्री, मीनार की जमीनार मीनार रहते थे ये भी होगी को शिखर जो ई को अन्यन कोण, अन्यन कोण नीचे बनत, नीचे बनत अन्यन कोण से कितना बनता 60 डिग्री का, अन्यन कोण नीचे अवनमन कोण हो तो ऊपर बना, ठीक है अन्यन कोण और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना, शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण कौन सा, उन्नयन कोण ए सी बी, ए सी बी बराबर कितना 60 डिग्री है, और जब मीनार खड़ी है 90 डिग्री पर, ठीक है तो उससे तो 90 डिग्री रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो अब लिखा सीधा अपन क्या करना है, मीनार की ऊंचाई करना है ए बी, और मान इमेज लेकर मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो मतलब अपन ए बी की ऊंचाई ए बी निकालना है। तो लिख दे हैं अब समकोण त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में, जिसमें कोण बी 90 और न्यून कोण कितना है, न्यून कोण ए सी बी बराबर 60 डिग्री है, इसलिए कहा उसे इसलिए त्रिकोण मितीस है। अब देखो यहाँ पर बात आती है अपन को क्या करना है, मीनार की ऊंचाई जो अपन 15 दाई आधार कितनी है, देखो यहाँ पर बात चलते हैं अपन आधार को पता करो, इस त्रिभुज में आधार कौन सा है, न्यून कोण जो है, न्यून कोण के सामने की भुजा कितनी होती है, अपन 8 पर पकड़ेंगे, न्यून कोण के सामने की भुजा क्या होती है लंब, तो 60 डिग्री, 60 डिग्री न्यून कोण, जब भुजा भुजा लंब, तो जहां पर न्यून कोण है उसको क्या बोलेंगे आधार, क्या बोलेंगे आधार। अपन को चाहिए क्या, त्रिकोणमिति में अपना एक दो भुजा, एक भुजा पता हो एक भुजा ना पता हो तो अपन त्रिकोणमिति से निकाल देते, कैसे त्रिकोणमिति से निकाल दे, तो यहाँ पर बताओ 60 डिग्री को कोण पता है अपन, न्यून कोण पता है, तो अपन इनमें से एक भुजा पता हो आधार पता हो तो लंब अपने आप पता है, त्रिकोणमिति के अनुपात से निकाला है, तो टेन सॉरी यहाँ पर लंब बटे आधार कोण में आ जाएगा, लंब बटे आधार, लंब आधार टेन में, लंब टेन में आता है, टेन वोल्ट में कोण भी लगा दो, सो इनका टेन 60 लगेगा, क्योंकि यहाँ पर कोण कितना न्यून कोण, जब भी अपन कोण अनुपात लगाएंगे तो यहाँ पर कौन से कोण से लगा रहा है, तो यहाँ पर 60 डिग्री कोण है, तो 60 डिग्री से लगा रहा है, 60 डिग्री एंगल से देख रहा है अपन, तो लंब भेजा और आधा भेजे,
अगर कोण चेंज हुई भाई, जो कोण चेंज हुआ तो हमें देखो कोण लिखते हैं, लेकिन हमें देखो न्यून कोण पता तो हमें देखो लगा है वो जैसे जरूरी नहीं है कि तुम्हें तो 90 है तो 60 तो 30 डिग्री आ जाने कोण निकाल दो, तुम वो कोण निकालो ऐसे वो लगा दो, लेकिन तुम्हें जो दे को फालतू को का करना बना याद कर, जब उन्हें जे पता है तो तैसा लगा दो लंब आधार का में आता टेन में आता और कोण में, टेन और कोण में से कोण भी लगा दो अनुपात टेन और कोण का तो लगा देंगे, चूंकि इसलिए इसलिए टेन 60 डिग्री, टेन 60 बराबर का होता लंब आधार का में आता लंब और आधार, लंब कितनी है कि ए बी, लंब कितनी है ए बी, टेन 60 लंब ए बी और बटे में कितना है बी सी, ए का अनुपात देखेंगे ना लंब कितना आधा कितना बी सी, तो ये ए बी बटे बी सी क्या लिखा टेन ही लिखो, क्या लिखो टेन ही, ठीक है। और टेन 60 का मान आपको पता होना चाहिए कितना होता है, टेन 60 का मान कितना होता है रूट का 3, और ए बी का मान कितना भैया, ए बी का मान कितना है आपको ए बी तो निकाल रहे हैं मीनार की ऊंचाई, जब ए बी एक मीनार हो गई हो तो ऊंचाई कहा हो, ठीक है, तो ए बी कितनी है अपना निकालते हैं मीनार है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना, बी सी कितनी है बी सी, बी सी अपना बी सी कितनी देगी 15 मीटर, इकाई देती ना 15 मीटर में थी, 100 मीटर लग दे लास्ट में लगा दे, और भैया इसके बटे में मान लो तो इसको त्रिक गुणा कर दो या इसको गुणा कर लो, त्रिक गुणा से 400 ए बी बराबर कितनी आ जाए, ए बी बराबर 15 रूट के 3 मीटर, पर ए बी बराबर कितनी 15 रूट के 3 मीटर आ जाए, तो भैया क्या क्या मीनार की ऊंचाई आ गई, आगे मीनार, मीनार कितने ऊंचे है मीनार के भी 15 रूट के 3 मीटर, अगर आपको और पीछे भी पूछ दो इसकी लंबाई पूछ दे दो, ठीक है, दृष्टि रेखा की लंबाई तो बन दिखा देते, तो अतः अतः का लेते हैं अतः मीनार की ऊंचाई कितनी है, अतः मीनार की ऊंचाई कितनी है 15 रूट के 3 मीटर है, कितनी है अतः मीनार की ऊंचाई 15 रूट के 3 मीटर है, आंसर हो जाएगा, अतः मीनार की तो मीनार की ऊंचाई बताना थी 15 रूट के 3 मीटर आगे, बस छोटा सा सवाल है बिल्कुल, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, इतना सो करना हो तना भाषा लिख देना बस और चेत बना, इतने के तुम्हें 4 नंबर मिल रहा है भैया, क्या करना क्वेश्चन का क्वेश्चन ही में करना, छोटा सो कछु करो भाई, हमने इतना सा किया कि 10 60 का मान पता था हमने वो रख दिया, और ए बी और बी सी के मान उन्होंने खुद आए थे, इतना बस अपना खुद से याद रखना 10 60 को मान, तो भैया रख दो हमने और क्या करो, कछु लो तो करो नहीं है, बस इतने ही से तो जी में है त्रिकोणमिति में, इसमें त्रिकोणमिति कुछ अनुप्रयोग मतलब त्रिकोणमिति जो आपने पीछे सीखी है इसमें इसका प्रयोग करना बना, ठीक है ना, तो कुछ क्वेश्चन अपन ने ऐसे भी लगाए कि जिनमें अपन को हम दिए 8.2 में है ऐसे क्वेश्चन जिसमें अपन को भुजा दे देते और अपन से कौन पता कोण मुद दे और पता न्यून कोण दे देते उसे भुजा भी पूछ लेते, ऐसे इसमें लगने त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग में अपन हाँ न्यून कोण दे हैं मतलब न्यून कोण देगा और आपसे पूछेगा भुजन की लंबाई कछु भी त्रिभुज कछु भी, पहले में भाषा में बहुत क्वेश्चन आएंगे करके, तो इसके कुछ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है वो हम आपको जरूर बताएंगे, उदाहरण एक भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके आगे उदाहरण दो है, उदाहरण दो बहुत बड़ा सा बड़ा सीढ़ी ईड़ी वाला है बिजली वाला, तो वो बहुत लंबा वो नहीं अच्छा, ठीक है, उसको भाषा इतनी बड़ी है आधा शॉर्ट में आएगा तो बना दो तो बना दोगे सीधे सीधे, एक भी लगा लेना आपको सब लगाना, ठीक है, जितने जी इनको लगाओगे उतने भी आपको समझ में आएंगे, आप लगाओगे नहीं तो बिल्कुल समझ में नहीं आएंगे, ठीक है, मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जय श्री राम, धन्यवाद, जय श्री राम।